करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। पता तो है आपको क्या थी इसकी इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब y की कैसे वो करेंगे, ठीक है भैया। तो डेफिनेशन हमारी वो ये सेम कि इस पॉइंट का डिस्टेंस p का इस लाइन से और इस पॉइंट से बराबर होगा, यानी क्या होगा हमारा pm बराबर होगा ps के, इसे अगर हम s मान लें फोकस, ठीक है भैया। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा PM है, इसे अपन मान लेते थोड़ी देर के लिए, PM जो है हमारा टाइम, क्या उसे ऐसे लिख सकते हैं MN प्लस NP, क्या कहते हो MP, ठीक ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि MN कितना है, तो कितना बेटा MN हमारा यहाँ से A है, ठीक, प्लस NP जो है, देखो NP किसके बराबर है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो H कॉमा K है, जीरो है, क्योंकि ये पॉइंट क्या कहलाता है भैया, जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है, एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस, तो ये वाला जो पॉइंट है एच कॉमा कितना है, जीरो, तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका छोटा वाला कितना आ जाएगा, एच, तो एन पी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एच आ गया, सिंपल। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर हम इस इक्वेशन में रखते वैल्यू तो पी एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए प्लस एच। अच्छा पी एस कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमें आता ही बताओ, अंडर रूट एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर, ओके। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा हमारा, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सिंपल, k माइनस 0 कितना आएगा, क्या आएगा आपका, इसे जरा सॉल्व करो, a प्लस b होल स्क्वायर याद है आपको क्या होता है, a स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस में इससे ए से अब ध्यान से देखना यार, फोर टाइम्स ऑफ यार मैं चलो उधर खा लो, तो ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 4a इक्वल टू कितना k स्क्वायर, कोई दिक्कत, जब भी हम इसका लोअर देखेंगे तो h और k को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, x और y में, तो यहां लिखेंगे 10 k लोकस ऑफ h कॉमा k, तो क्या करेंगे x कॉमा को x y से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहां से हम लिखेंगे x कॉमा y, तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला।